हाय जय जगन्नाथ, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपण सहित सेयार करने को जाऊँ फुलकोबी रसा, सिंपल स्टाइल रे बिना माने कम मसला रे आज या चलते देखा रेसीपीटा केमती। तो फुलकोबी रसा बनवाई प्रथम मुबी की छोट छोट पीसेस काटिकी धोईकी भल भाव गोटे प्लेट को काढ़ी नहीं तार सब पा भी नेगेड़ी आसला। तो एबे मु आलू पकईनि आधे केवल कोबी रही करी केवल कारण ये मु रोटी सहित खावापी कर। तो एबे आमे कौन करिबा ना गोटे कड़े तेल गरम करवा जी आम कोबी अच्छी से क्वांटिटी आम तेल दबा तेल देकर तादे कौन करवा ना कोबीटा को आम डाल मान भाजवा दादे। तो एबे तेल अलमोस्ट गरम हो तो एबे आम कोबी जहाँ रखी थे छाणी तादे पकईद जीक आम पाखे कोबी थी से अनुसार आम जी कम अच्छे मानते अधिका अच्छी तेल कम कम दे कि दिथर भाजवा नचे कम क्वांटिटी अच्छे तो एका थर के बड़ कड़े एम भाजीदे टी ई हे मानते मीडियम फ्लेम ही भाजबे कारण केबे कोबीटा को हाई फ्लेम या लोरे देवे मीडियम भाजले कोबीर भितर धीरे धीरे सीझी आस। तो आपको एबे छाड़ी देबा जमी गोल्डन ब्राउन कलर आसवा पर्यंत। एबे कोबीटा अलमोस्ट भाजी आसला तेल रे। तो एबे कोबीटा को तेल देह काढ़ी देबा गोटे प्लेट को। जमी गोल्डन ब्राउन कलर हो आसला तो भल से भाजी हो गला। तो आम सीझे भी नेक्स्ट टाइम आमको बेस समय टाइम लगे जेहेतु आम तेल भाजी देखे। तो अभी आम पियाज गोल्डन ब्राउन कलर आसी सारा तो ये आम अदा रसुण पेस्टा देद मैं गोटे बड़ चमच अदा रसुण पेस्ट बाटिक रखी थी। तो अदा रसुण पेस्ट दे सारापर तो आउ गोटे मिनिट कर दे पशी कि अदा रसुण कंचा स्मेल जो रॉ स्मेलटा अच्छे से जीवापर्यंत भलसे पशा। एबे कसा होता समय रे हमें कैप्सिकम गोटे काट रखीद छोट कैप्सिकम तो मुझेदेली से जीत कंचा अच्छी भाजी नहीं आगे तो यही तेल मान मसलार ही भाजी होता भल से मैंने भाजी हो सारापर आम आगे कौन करवा टमाटो छोट छोट काटिक रखी तो टमाटो को देदे। जब आप टमाटोटा प्यूरी बनवाक चाहिए आप टमाटो पेस्ट डाली पारे कि छोट छोट पीस रफ एम काटी जेहे तो टमाटो बेस पाचिला अच्छे तो सीटा ऑटोमेटिक मानते बेस नरम हो तो मसलाटा गोटे मिनिट आपको एमती घोड़े दबा जोटा कि टमाटोटा भलसे नरम हो मसला सहित मिसीजर आम बाकी मसला पकड़। तो मसलाटा अलरेडी आम कषि आसाना जब आप लगे कि मसला तले लग जा तो आप टे पा देपर आगे ये टाइम टे जस्ट पा देकर मसलाटा टे कषे टमाटो अलरेडी से नरम हो सारे कि आम ये आम बाकी शुखला मसला जहाँ भी अच्छे पकईदे जमती कि मुझे फर्स्ट धनिया गुंड को आड करदेली तापर हल्दी ऐड करवा लंका भी ऐड करवा कारण आम छोट छुआ घर मुझे छोट छुआ बेस लंका खाती तो मुझे बेस लंका के दिए कौन सब्जी रे भी मोर तो आप ये अनुसार लुण भी ऐड करदे। तो आमर एवं लुण लंका हलदी तापर धनिया पाउडर ऐड हो गला तेल छाड़ी आसला मसलाटा कषि हो आम ये टाइम कि गरम मसला ऐड कर पुणी लास्ट बोल डालचिनी मैं अलच
जेतिक रखिथिबा कोबी की पकाइ देबा एटा भलसे आटिके गोटे माने गोटे मिनिट पछि एंदि भाजि देबा मसला रे तापर अपन में पानी लेकरि 10 मिनिट पर्यंत छाड़ देबा सिझिबा पई जे तमे कढ़ी रे करछ तो सिझिबा पई 10 मिनिट ऑलरेडी भाजि हो जाय छि जेतु 5-10 मिनिट सिझि गला पर तो यहाँ आप नाइट टाइम आप रोटी सहित कि राइस खाऊ राइस सहित आपड़ा खाई आपड़ा साइड डिश भाव में यूज करेंगे कि आलु पड़ी यहाँ आलु तो स्टिक होते आलु पड़ी आप आलु सहित मानते तरकारी फ्री था तो आप भात खाईपर था जेहतु मुझे रोटी कहीं करें पानी देद बेसी नहीं कारण रोटी सहित खिया हम तो अल्प टिके पानी देकरी आपको सीझा छाड़ देवा तो ये जी पा दरकार मोर कोबी सीझापी मो पानी दे दे तो सीटा को आम घोड़े दबा जोड़ा कि फुटी माने सीझापी जल्दी सीझी तो मुझे गोटे प्लेट एमती घोड़े दे ठीक अच्छे 10 मिनिट पर यह काढ़ देखा तो ये 10 मिनिट पर प्लेट डांकुणी काढ़ की देखा मो कोबी पूरा बढ़िया भाव में कसी रही जाइए तरकारी अलरेडी कोबी रसा हो सारी किसी गरम मसला आड कर रेडीमेड मसला अलरेडी पाउच मसला पकड़ी तो मसला घाटी देखा कला गरम सर्व कर रोटी सहित यदि आप रईस सहित खाइबे ये सैड डिश भाव में यही टाइम मीठा डाली सहित यहाँ सैड खाइबा बहुत बढ़िया लगे गोटे मीठा डाली बनईकिसत ये सैड डिश भाव में कोबी रसाटा खाईपर नचे आपकी रोटी सहित खाइबे ये चलते हुए गरमा गरम सर्व कर तो एबे हमर फाइनली रेडी हो जाए कोबी रसा आपण मैंने निश्चय ये ट्राए करूँ रोटी पराठा या रईस सहित खाइबे तो आपण मानक जदि वीडियो भल लगेगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू।